मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर तैनात ये है रेखा मिश्रा। इन्हें आप 600 बच्चों की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। 600 बच्चों की लाइफलाइन इसलिए क्योंकि इन्होंने बच्चों को भटकने से, अगवा होने से, बिकने से और न जाने किन किन मुसीबतों से बचाया है। सीएसटी रेलवे स्टेशन से 2016 में 434 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसमें 389 बॉयज थे और 45 गर्ल्स थी। और 2017 में अब तक 160 बच्चों को रेस्क्यू हो चुका है। चेन्नई मिल से 3 लड़कियां आई थी जो किडनैप होके, किडनैपिंग का केस रजिस्टर था, उनको मैंने यहाँ पे पकड़ा था सीएसटी रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो 14 ईयर्स की थी और कॉलेज गोइंग थी, तो उनको हमारी वजह से मदद मिली तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। माया नगरी मुंबई की चकाचौंध से कई बार बच्चे भटक कर मुंबई आ जाते हैं। रेखा रेलवे स्टेशन पर ऐसे बच्चों को एक ही नजर में पहचान जाती है, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के मिशन को अंजाम देती है। देश को रेखा मिश्रा जैसी पुलिस वालों की बेहद जरूरत है, जो मुसीबत में मसीहा बनकर उनको बचा ले। मैं रेखा मिश्रा रेलवे में सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरी शादी के 2 साल हुए, अचानक से मेरा एक दो बार मिसकैरेज हुआ शादी के बाद। तब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तभी मेरी पूरे टेस्ट कराए गए। तब मेरा AMH लो था, जो 0.6 पे आ गया था, और ट्यूब में भी प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी अचानक से एक दिन मैंने फेसबुक चलाते हुए डॉक्टर चंचल मैम का वीडियो देखा। तभी पता नहीं क्या अचानक से मेरे मन में आया, उस वीडियो को देखते ही मैंने उसमें दिए मोबाइल नंबर पर कंसल्ट किया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। और फिर मैम ने मुझे आने के लिए कहा कि दिल्ली में मेरी राजौरी गार्डन के पास क्लिनिक है, आप वहाँ आके मुलाकात कीजिए। मैं आके मिली और अक्टूबर से मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू कराया मैम के पास। और आज मेरा AMH भी 1.46 हो गया है और मेरी ट्यूब भी खुल गई है, ट्यूब भी प्रॉपर वे में काम करने लगी है। इसलिए चंचल मैम का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिली, जिससे लोग इसका फ़ायदा लें और इधर उधर भ्रमित ना होकर सही जगह पे आए और सही इलाज पाएँ।